व्हाट इज द रीजन फॉर अर्जेंट हियरिंग? नो 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 नो, रेफरल हॉस्पिटल कलकत्ता में, तो आपकी बीमारी क्या है? वो मिस्टर रामदया सिंह, प्लीज डोंट आर्ग्यू लाइक दैट। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग पटना हाई कोर्ट की एक वीडियो देखने जा रहे हैं, तो देखते हैं कि इस वीडियो से हम लोगों को क्या क्या सीखने को मिलता है और इस वीडियो में हम लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है। उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस रेगुलरली बनाते रहता हूँ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो पर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो से हम लोगों को क्या क्या सीखने को मिलेगा और क्या क्या इस वीडियो में देखने को मिलता है। फॉर अर्जेंट हियरिंग, what is the reason for urgent hearing? My lord, the petitioner is a lady and she is suffering lot from no. Referral hospital Calcutta mein, to aapki bimari kya hai? Na to dekha na ja ki isme hai kya hamare upar. Mr. Ramadya Singh, please don't argue like that. We are sabke case. तो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट हो रही है वो एंटीसिपेटरी बिल के लिए होती है। एंटीसिपेटरी बिल क्या होती है, उसे हम लोग एंटीसिपेटरी बिल को हम लोग सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं बेल इन एडवांस, जिसका मतलब कि अगर किसी इंसान के खिलाफ जब भी अरेस्ट वारंट इशू होता है तो वो इंसान अरेस्ट होने से पहले ही जब एडवांस में बेल अपनी करवा लेता है, मतलब कि बिना जेल जाए वो अगर अपनी बेल करवा लेता है, उसे जो है एंटीसिपेटरी बेल कहा जाता है। उसका प्रोविज़न जो है सेक्शन 438 ऑफ CRPC में दिया गया है। बहुत हल्का है, सब में एंटीसिपेटरी बेल मिल सकता है, लेकिन अर्जेंसी क्यों है? देखा जाए, मैं रेफर किया गया ऑपरेशन के लिए रेफर किया गया। अच्छा, तो वो बोलिए ना, तो इसमें है क्या सो बताएंगे तो फिर बड़ा मुश्किल है। क्योंकि रेफर किया गया ऑपरेशन के लिए, इसलिए हम मेंशन इतना ही करते हैं। ऑलराइट, ये मैं दो बार टेस्ट करता हूँ, एक बार मेंशनिंग एक्सेप्ट करते समय, एक बार सुनते समय। बताइए, दोनों पार आपको दिया है, रेबिनाप्रोजोल दिया है जो गैस की दवा है, लेकिन पेट में कुछ ना कुछ निकल गया है। ये तो अर्जेंसी है, मैं नहीं दिख रहा। कौन से अवयव का ऑपरेशन कराएंगे आप? अब तो वहां जाने के बाद डॉक्टर जैसा है ही नहीं। तो जैसा कि आप लोग भी देख सकते हैं कि ऑनरेबल जज जो हैं, उन्हें मेडिकल फील्ड के बारे में बहुत सारी नॉलेज, क्योंकि वो मेडिसिन का नाम सुनते ही बता दे रहे कि ये गैस की दवा है या फिर ये किस चीज़ की दवा है। तो जो एडवोकेट का प्लान था कि अर्जेंसी शो करना मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा करके, वो तो प्लान तो बिल्कुल फेल हो गया। तो अब देखते हैं कि आगे वीडियो में क्या होता है। वेयर इज द रेफरल? नीचे में गलत स्टेटमेंट हो गया मिस्टर अमदिया सिंह, नीचे में लिखा हुआ है रेफर टू सो सच। यहाँ पे ऑनरेबल जज ने साफ साफ पकड़ लिया और तुरंत पकड़ लिया है कि जो एडवोकेट हैं उन्होंने गलत स्टेटमेंट दी है, फॉल्स स्टेटमेंट दी है। ये डॉक्टर अशोक कुमार शाह, ये MBBS कहाँ के हैं भाई? आपके कहने से इन्होंने लिख दिया। अच्छा, अमरपुर गोला चौक। अगर आप दो लाइन सुन लेंगे तो आपको हुजूर को लगेगा कि इसमें कुछ है ये नहीं है, लेकिन पुलिस हमको अरेस्ट करने जा रही है। नहीं नहीं, वो ग्राउंड तो हमारा ही नहीं ना। जी 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 जी, ये हम पढ़ भी नहीं रहे हैं। कहाँ लिखा हुआ है रेफरल? नीचे में लिखा हुआ है रेफर सर, लिखा हुआ है कि पहले की दवा चलती रहेगी। रेफर टू कलकत्ता लिखा हुआ। आप पता नहीं कहाँ से आप पढ़ रहे हैं, अंडरलाइन करके दीजिए। हमको दिया जाए ना, हम रखा था। ये दूसरा डेट कॉपी है, 27/4 जी, उसी में लिखा हुआ है रेफर। इनकी इनकी डायग्नोसिस क्या है? कांट रीड। अब तो हम लोग तो डॉक्टर नहीं है, हम लोग तो जो डॉक्टर कहे। पेशेंट फॉर हायर सेंटर। ऑनरेबल जज के जो है किसी भी सवाल का जो है जवाब नहीं है एडवोकेट के पास, इसीलिए ये माना जाता है कि किसी भी केस को रिप्रेजेंट करने से पहले, किसी भी केस को कोर्ट में रिप्रेजेंट करने से पहले जो है उसकी बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। मतलब कि आपके क्लाइंट को क्या बीमारी है, आपका क्लाइंट कहाँ पर रहता है, हर एक चीज़ आपके क्लाइंट के बारे में आपको पता होनी चाहिए, ताकि जब भी कभी भी ऑनरेबल जज किसी भी चीज़ के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपके क्लाइंट के बारे में, तो आपके पास जवाब ऑलरेडी तैयार हो। आयर VM बिरला जी, अब उसी परिस्थिति। वी आर नॉट इंक्लाइंड, अब पुलिस हमको पकड़ रही। वी आर नॉट इंक्लाइंड टू गिव यू अ प्रायोरिटी हियरिंग, वी मे बी इंक्लाइंड टू ग्रांट यू बेल स्ट्रेट अवे, नो प्रायोरिटी हियर, अदरवाइज आई विल नॉट बी फेयर टू अदर काउंसल्स।
ये बीमारी हमारी के लिए आपकी जेन्युइन नहीं लग रही है, पेट के दर्द में हम आए, गैस वैस सब ऐसे भी लेडी, दफा क्या है बताइए, हम नहीं, यही है कि हमारा ऑल्टो कार है, अब मैं अपने ऑल्टो कार बारात जाने के लिए दो आदमी को दिया, वो लोग ले करके गया, केस तो आपका 2 मिनट में बेल का है, 2 मिनट में बेल लाए केस में, हम पर कुछ नहीं है, लेडीज तो आप ये गलत बयान क्यों कर दिया, अगर लेडीज हम नहीं रहते तो हम वो भी लेडीज या बीमार, लेडीज को आप जेंट्स थोड़ी बोल रहे हैं, लेकिन ये आपने तो एडवोकेट साहब का ये कहना है कि वो उनकी क्लाइंट लेडीज है इसलिए उन्होंने फॉल्स स्टेटमेंट दिया है, और अगर लेडीज नहीं रहती तो वो फॉल्स स्टेटमेंट नहीं देते। गलत स्टेटमेंट मेडिकल ग्राउंड क्यों लगाया वो, अब उसमें थोड़ा सा तो करना पड़ता है, लेडीज है या बीमार है, पुलिस अगर आदेश कर लेती है तो वो, डॉक्टर लिखा हुआ है, दिस विल बी गिविंग प्रीमियम टू दिस रॉन्ग ग्राउंड बिफोर द कोर्ट, कम विद क्लीन हैंड्स, द कोर्ट इज रेडी टू गिव यू मोर रिलीफ देन यू डिमांड। अच्छा वो तो सब कम विद एब्सोल्यूट क्लीन हैंड्स। अच्छा इतना कष्ट करके इसको मंगाया गया, जितना देर में हम बहस किए इतना देर में तो 2 लाइन का इसमें ऑर्डर होगा, अब इसके बाद से हम नहीं कभी नहीं कहेंगे, अब आपको ये मेरा लास्ट अगर मान लिया जाए, दूसरा हम क्या कहें, लेकिन 1 सेकेंड का बट वी डोंट, हाँ हम नहीं करेंगे, हम करवे नहीं करेंगे, हम कहवे नहीं करेंगे कभी, दिस डॉक्टर हैज ब्रोकन द ओथ ऑफ, मेरा लास्ट सबमिशन, इसके बाद हम कभी मेंशन भी नहीं करेंगे, भी कह देते हैं आप, दैट्स गुड, मेंशन करिए, गलत मेंशन मत करिए। तो यहाँ पे अपनी वीडियो ख़त्म होती है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जो चीज़ हम लोगों को इस वीडियो से सीखने को मिली आइए उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़ तो हम लोगों को ये सीखने को मिली है कि ज़िंदगी में कभी भी किसी भी एडवोकेट को कोर्ट के अंदर जो है फॉल्स स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए अपने क्लाइंट को बेल दिलवाने के लिए, क्योंकि बाई चांस अगर ऑनरेबल जज वो पकड़ लेते हैं कि आपने फॉल्स स्टेटमेंट दी है अपने क्लाइंट को बेल दिलवाने के लिए, तो आपके खिलाफ जो है ऑनरेबल जज लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। वो बात अलग है कि यहाँ पे कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया है ऑनरेबल जज ने, लेकिन अगर चाहते तो ले सकते थे। तो कभी भी जो है फॉल्स स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए कोर्ट में। चलिए हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इस पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ रेगुलरली देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।